नमस्कार, स्वागत है आपका फिल्मी बीट में। आपके साथ मैं हूं दीपिका अग्रवाल। एसिड अटैक सर्वाइवर लक्ष्मी अग्रवाल ने अपनी कहानी से बहुत सारी महिलाओं को प्रेरित किया है। 15 साल की उम्र में लक्ष्मी पर दिल्ली में एसिड से हमला किया गया था। हालांकि उसने कभी हिम्मत नहीं हारी और ना ही अपनी जिंदगी को बिना आत्मविश्वास के जीना छोड़ा। मेघना गुलजार लक्ष्मी अग्रवाल के जीवन पर छपाक नाम की फिल्म बना रही है, जिसमें दीपिका पादुकोण और विक्रांत मैसी मुख्य भूमिका में हैं। वहीं जयपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में लक्ष्मी ने शेयर किया कि वो इस बात को लेकर कितना गर्व महसूस करती है कि दीपिका पादुकोण उनकी भूमिका बड़े पर्दे पर निभा रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक लक्ष्मी अग्रवाल ने बताया है कि मैंने कभी स्कूल में कोई पदक नहीं जीता। मुझ पर बन रही बायोपिक के बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। मैं मेघना जी और दीपिका की शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मेरी जिंदगी और काम को एक फिल्म में बदलने के लायक समझा। लक्ष्मी अग्रवाल ने आगे कहा कि मुझे जब बताया गया कि दीपिका पादुकोण जैसी हस्ती मेरा किरदार निभा रही है तो मैं सोच भी नहीं पा रही थी आखिर इस पर क्या बोलूं। लक्ष्मी अग्रवाल ने कहा कि मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि ये फिल्म उस हमलावर के मुंह पर एक कड़ा तमाचा होगी जिसने सोचा था कि उसने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया है, साथ ही उस समाज के मुंह पर जिसने मुझे एक अपराधी की तरह देखा। हालांकि लक्ष्मी अग्रवाल को दीपिका का छपाक का पहला लुक भी काफी पसंद आया है। लक्ष्मी ने शेयर किया कि जब दीपिका ने ये पोस्ट शेयर की थी उस वक्त वो बाहर थी और सो रही थी। जैसे ही उठते ही उन्होंने अपना इंस्टाग्राम चेक किया तो उसमें छपाक के पहले पोस्टर और दीपिका को देखकर वो सिर्फ वाह ही कह पाई। लक्ष्मी अग्रवाल ने आगे बताया कि मैंने सोशल मीडिया पर बहुत सारे मेकअप आर्टिस्टों को दीपिका के लुक की तारीफ करते देखा। उन्होंने वैसे मेकअप करके अपनी तस्वीर मुझे भेजी हुई है। कभी नहीं सोचा था कि एक एसिड अटैक सर्वाइवर के फेस को भी लोग रिक्रिएट करेंगे। आपको बता दें कि दीपिका पादुकोण की छपाक 10 जनवरी 2020 में रिलीज होगी। फिलहाल तो दीपिका पादुकोण इस फिल्म की शूटिंग कर रही है और इस फिल्म को लेकर वो काफी ज्यादा एक्साइटेड है। खैर, हमारे इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन बाकी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा।